रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। आज उसका थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने पावर रूल स्टडी करना है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक्स की कोई भी पावर होती है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मसलन हमारे पास अगर फर्ज करें कि एक्स की पावर है 7 तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, या एक्स की पावर 3/2 है, या एक्स की पावर लेट से -100 है, एक्स की पावर फर्ज करें 5/2 है, तो इन सब का जो डेरिवेटिव है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए जो फार्मूला है वो हम बनाने जा रहे हैं और वो जो फार्मूला है वो पावर रूल कहलाता है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये प्रूफ स्टार्ट करने से पहले या फार्मूला बनाने से पहले एक चीज़ जो हम ऑलरेडी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं वो है बायनॉमियल थ्योरम। उसको देखते हैं क्योंकि उसको हमने अभी यूज़ करना है। बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल थ्योरम हमारे पास क्या था कि फर्ज करेंगे हमारे पास अगर ए प्लस बी, यानी ये बायनॉमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हों बायनॉमियल कहलाता है, तो इसकी पावर एन है, तो इसके लिए बायनॉमियल ने जो हमें फार्मूला दिया था दैट इज बायनॉमियल थ्योरम वो था एन सी ज़ीरो, और उसके बाद हम इसके साथ ए पावर एन, फिर एन सी वन, ए पावर एन माइनस वन इंटू बी, फिर एन सी टू, ए पावर एन माइनस टू बी स्क्वेयर एंड सो ऑन टू एन सी एन बी पावर एन। ये बायनॉमियल थ्योरम था, यानी जो फर्स्ट इसमें बायनॉमियल थ्योरम में जो फर्स्ट एंट्री है ए है, उसकी पावर एन से स्टार्ट होगी और कम होते होते ज़ीरो तक जाएगी, और जो सेकंड एंट्री बी है इसकी जो पावर है यहाँ पे बी पावर ज़ीरो है, फिर बी पावर वन टू, इसकी एक एक बढ़ती जाएगी। और ये एन सी ज़ीरो आपने फैक्टोरियल पढ़ रखा है, ये फार्मूला हमारे पास होता है एन सी आर का फार्मूला जो हमारे पास बनता है वो है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये होता है। तो इसके मुताबिक जो एन सी ज़ीरो होता है हमारे पास, अगर वो हम अवेल्युएट करें यहाँ से, तो हमारे पास आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस ज़ीरो, यानी दोनों का डिफरेंस और ज़ीरो फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल होगा एन माइनस ज़ीरो भी, वही एन फैक्टोरियल ज़ीरो का फैक्टोरियल जो है वन होता है, ये सारा कैंसिल होकर हमारे पास वन आ जाता है, ठीक है जी। तो इसी तरह एन सी वन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एन सी टू, तो अगर हम एन सी वन कैलकुलेट करें वो देखते हैं क्या बनता है। तो एन सी वन हमारे पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन डिफरेंस और साथ वन का फैक्टोरियल। अब ये जो एन फैक्टोरियल है इसको मैं लिख सकता हूँ एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये सारा कैंसिल होके एन आ जाएगा। इसी तरह एन सी टू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल और साथ हमारे पास आ जाएगा टू फैक्टोरियल। तो एन सी इसको लिख सकता हूँ ऊपर वाले को एन एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, तो ये एन सी टू ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। तो अब इसी तरह लास्ट वाला अगर हम कैलकुलेट करें एन सी एन, तो हमारे पास जो बन जाएगा ये आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस एन माइनस एन वो ज़ीरो हो जाएगा, और नीचे वाला है उसका फैक्टोरियल तो ये भी ज़ीरो फैक्टोरियल वन, तो ये भी वन हो जाता है। तो यानी अगर अब हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हम देखें ये बन जाएगा ए बी पावर एन ए पावर एन, क्योंकि एन सी जो ज़ीरो था मेरे पास, चलिए एक दफ़ा पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ताकि उसमें वैल्यूज पुट करना आसान हो। एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी स्क्वेयर एंड सो ऑन टू
एन सी एन बी पावर एन। अब एन सी जीरो जो मैंने निकाला है वन आया था तो ये ए पावर एन हो जाएगा, और एन सी वन जो निकाला था वो एन आया था तो एन माइनस वन बी, और ये मेरे पास आया था एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल ए एन माइनस टू बी स्क्वेयर, और एन सी एन जो है वो वन आया था। तो ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन है इसको अभी मैं यूज़ करूँगा, यानी बायनामियल थ्योरम को मैं अब यूज़ करूँगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और जो फार्मूला भी बनाने जा रहे हैं पावर रूल उसके अंदर भी इसको यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं हम पावर रूल की तरफ। ओके जी, तो हमारे अब हमने जो फार्मूला बनाना है, यानी जो हमारे पास फंक्शन है वो है एक्स की पावर एन, इसका यानी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वो हमारे पास पावर रूल आ जाएगा। वो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसके हमारे पास चार स्टेप्स होते हैं, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम एक्स के साथ डेल्टा एक्स ऐड कर देते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, तो वो यहाँ पर हमने कर दिया। अब यहाँ पे जो बायनामियल थ्योरम है वो अप्लाई होगा ताकि इसको हम एक्सपेंड कर सकें। तो यहाँ बायनामियल थ्योरम में मेरे पास था a प्लस बी की पावर n, अब a की जगह यहाँ x आ गया और b की जगह यहाँ पे डेल्टा x आ गया, तो वही सिंपल यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a पावर n, यानी x की पावर n आ जाएगा, जो पहला था उसकी पावर n प्लस जो दूसरा मेरे पास बना था वो था n, इसकी एक एक पावर पहले वाली टर्म की रिड्यूस करते जानी है और दूसरे की बढ़ाते जाने हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स। नेक्स्ट मेरे पास था वो उसके मुताबिक था n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, और x की पावर एक और कम होगी n माइनस टू, और डेल्टा एक्स की यहाँ पे एक पावर बढ़ेगी एक्स स्क्वेयर, यानी वो था मेरे पास ए पावर एन एन ए पावर एन माइनस वन बी एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू बी स्क्वेयर एंड सो ऑन टू बी पावर एन, ये था। अब यहाँ पे ए की जगह एक्स लगा दें और बी की जगह यहाँ पे डेल्टा एक्स लगा दें, तो आप देखें क्या बनता है, एक्स की पावर एन एन टाइम एक्स की पावर एन माइनस वन और बी की जगह डेल्टा एक्स इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, और इसका जो मेरे पास आएगा यहाँ पे, सॉरी मैंने नहीं लिखा n माइनस टू, तो यहाँ पे x की पावर n माइनस टू आ जाएगा, a की जगह जो कि x लगाना है और b की जगह डेल्टा x, तो ये आ गया एंड सो ऑन टू लास्ट पे डेल्टा x की पावर n, यानी b की जगह डेल्टा x है। तो ये हमने क्या किया, इसके साथ आप लिख देंगे बायनॉमियल थ्योरम, ठीक है जी, हमने क्या किया यहाँ पे बायनामियल थ्योरम का इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये उसका दूसरा स्टेप आ जाता है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो यही सारी चीज़ आ जाएगी, एक्स की पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस वन डेल्टा एक्स प्लस एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल एक्स की पावर एन माइनस टू डेल्टा एक्स स्क्वेयर सो ऑन टू डेल्टा एक्स की पावर एन माइनस, ये तो सारा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, अब माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एन है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, बल्कि यहाँ पे पहले हम ये कर लेते हैं कि इसमें से डेल्टा एक्स कॉमा ले लेते हैं, पिछले लेक्चर में भी देखे तो हमने तमाम क्वेश्चन में ऐसे ही किया था, तो यहाँ बच जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल। अब डेल्टा एक्स यहाँ से एक हमने क्या किया, कॉमन लिया है, तो यहाँ स्क्वेयर था तो एक रह जाएगा, इसी तरह जो कि सारी टर्म्स के अंदर मौजूद है तो एक सब में से एक एक कॉमन आ जाएगा, और ये जो लास्ट वाली टर्म है इसमें से एक बाहर चला गया तो अब n है तो पीछे n माइनस वन रह जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मैं यहीं पे करने लगा हूँ, ठीक है जी, वैसे आपने इसको अलग से लिखना है नेक्स्ट स्टेप, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ये करता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देते हैं डेल्टा एक्स से हम डिवाइड कर देते होते हैं,
ठीक है जी, तो डेल्टा एक्स से दोनों साइडों को डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा कैंसिल। तो इसका जो नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते होते हैं, हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यही सारी चीज़ आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और उसके बाद ये जो जितना कुछ है ऊपर वाला ये सारा यहाँ पे लिख देंगे। अब देखें जिस जिस टर्म के अंदर डेल्टा एक्स होगा वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोच, अब ये पहली टर्म है इसमें डेल्टा एक्स नहीं है, बाकी हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद है, तो इसका मतलब है वो तमाम टर्म्स पहली के अलावा सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। और ये जो चीज़ है डेफिनेशन के मुताबिक क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का, फंक्शन क्या है एक्स की पावर एन है, तो इस सारे को मैं क्या लिखूंगा, इस जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं लिख दूंगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। राइट साइड पे बताया है कि पहली टर्म बच जाएगी एक्स की पावर एन माइनस वन, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं तमाम में डेल्टा एक्स मौजूद है वो सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा एन एक्स की पावर वन, इसका मतलब ये होगा कि जो मेरे पास पावर रूल बना है वो बन गया है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये मेरे पास फाइनली जो है ये आ गया है पावर रूल, ठीक है जी, ये मेरे पास पावर रूल बन गया है। ओके, अब इसका मतलब क्या है, ये जो पावर रूल बना है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी आपके पास x की पावर होगी वो पावर क्या होगी, वो स्टार्ट में आ जाएगी और x में से एक पावर कम कर देंगे। मसलन अब पिछले लेक्चर में हमने अवेलुएट करके भी देखा था कि अगर आपके पास x पावर 3 है तो क्या करेंगे, 3 आ जाएगा स्टार्ट में और 3 में से एक कम कर देंगे तो 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ये हमने पिछले लेक्चर में अवेलुएट भी किया था, इसी तरह हमने स्क्वायर का भी अवेलुएट कर किया था और मेरे पास जो आंसर आया था वो आया था 2x। अब इसके मुताबिक भी 2x आता है क्योंकि 2 पावर पहले आ गई, 2 में से कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कोई भी आपके पास पावर है, मसलन आपके पास पावर है x की पावर लेट्स से 75, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 75x की पावर 74, यानी एक उसमें से पावर कम हो जानी है। तो जितनी भी पावर होगी वो पहले स्टार्ट में आएगी और उसमें से एक कम हो जाएगी, तो ये हमारा कहलाता है पावर रूल, इसको हम कहते हैं पावर रूल। अगर इसकी आपको समझ आ गई, ये जो इसकी डेरिवेशन है सारी वो अगर आपने समझ ली, तो जो आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है और 2.2 एक्सरसाइज है ये दोनों के सारे क्वेश्चन इसी तरह कर लेंगे, बहुत आसान है। सिंपली उसमें क्या है कि जो भी एक्स दिया होगा उसकी पावर यहाँ पर कोई वैल्यू दी होगी, मसलन कुछ क्वेश्चन में हमारे पास 100 दी हुई है, कुछ में कुछ और वैल्यूज दी हुई हैं, सिंपली उसकी जो भी वैल्यू होगी उस पावर की वो वैल्यू जहाँ पे एन की जगह पे आ जाएगी, बाकी यही सारे स्टेप्स होंगे, इसी तरह इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये बहुत आसानी से आप ये दोनों एक्सरसाइजें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और उसके कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह, क्योंकि उसमें भी यही कहा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, और हमने ये जो रिजल्ट ड्राइव किया है ये भी हमने क्या किया है, बाय डेफिनेशन ही ड्राइव किया है, यानी जो डेफिनेशन के चार स्टेप्स बनते हैं हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना, फिर डिफरेंस, फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाना, फिर लिमिट अप्लाई करना, वो चार स्टेप हमने यहाँ पर भी यूज़ किए। फिर भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो, कोई चीज़ कन्फ्यूज कर रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मैथ सिटी बाय प्रोफेसर टी एम कादरी, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 2.1 और 2 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।